न्यूजीलैंड हैव लॉस्ट गेम अगेंस्ट पाकिस्तान इवन आफ्टर स्कोरिंग 401 रन्स. इट वाज अ रन फेस्ट एट चिन्नास्वामी स्टेडियम इन बेंगलुरु, अ मस्ट विन गेम फॉर पाकिस्तान. बट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द गेम पाकिस्तान फेल्ट लाइक losing it all after New Zealand notched 401 runs. But then happened Fakhar Zaman and also Kudrat Ka Nizam, and Pakistan ended up by winning by 21 runs on TLS method. There was a play possible of 75 overs in the day, but so much happened in between that, and Pakistan got away with 2 points. In today's post-match zone, I have got with me a very special guest, Anam Nadeem. Welcome to the show, Anam. And what do you make of this भाई आज अल्लाह कोई मौजा जो है ना वो कर दे और हम 402 बना लें. एंड आई वाज लाइक माँ आप कैसी बातें करिए, मतलब ये आप एक्सपेक्ट करिए कि हमने 402 चेज करना है. लाइक देखना तुम होगा होगा यार. द वे फखर जमान बैटेड, व्हाई वाज ही ऑन द बेंच, लाइक वाज अगर वो इंजरी थी या हम उनको मेंटली रेस्ट दे रहे थे, बट फखर जमान यार क्या खाया है फखर जमान ने. 126 11 सिक्सेस आज फिर से. फखर वाज ऑन सॉन्ग लाइक एनीथिंग, लाइक इट वाज वन ऑफ द मोस्ट फ्लुएंट innings, I would say, and one of his best as well. Although he mentioned in his Player of the Match award ceremony ke, no, this is one of my best, but I'll still rate my 193 against South Africa. And I was hoping he'd say Champions Trophy wali jo saw thi wo meri best hai abhi tak ki, but I was surprised he said no, that 193 against South Africa remains his best innings. But yaar amazing scenes, yaar amazing scenes. We still don't know semi final mein jaane nahi jaana, but कंसिडरिंग के इतना बड़ा टारगेट था. ऑल्दो हमें पता है बैंगलोर में किस तरह से टारगेट चेज हो सकते हैं, वी ऑलमोस्ट अचीव दैट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एज वेल, ऑल्दो वी फेल शॉर्ट बाय क्वाइट अ लॉट इन द एंड, बट स्टिल एट वन पॉइंट वी फेल्ट के यार ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी वो चेज हो सकता है. पर आज जो कॉन्फिडेंस फखर जमान ने इस बैटिंग लाइनअप में वापस डाला है, एंड ओनली ही कुड डू इट यार. बहुत बात थी इस बारे में कि फखर के अलावा कोई ऐसा प्लेयर हमारी टीम में नहीं है जो एक सिंगल हैंडेडली एक दिन में आपको मैच ऑन हिज गिवन डे ही कैन विन यू एनी मैच, राइट? एंड ही हैज डन इट ट्वाइस. हां, ही हैज डन इट ट्वाइस नाउ यार, अगेंस्ट बांग्लादेश द वे ही वांटेड फॉर यू. आपको जल्दी चेज करना था मैच, उसने खत्म किया, उसने नहीं परवाह की कि आउट हो सकता है नहीं हो सकता. लक वाज ऑन हिज साइड दैट डे एज वेल, एंड आई गेस टुडे एज वेल इट वाज ऑन हिज साइड. एंड Fortune favors the brave, as they say, and there was no better moment than proving it aaj jahan pe sabse zyada zarurat thi. To yaar hats off to Fakhar Zaman, jitni tareef kare kam hogi fakhar ki aaj. Exactly, I think the nature of this innings and the timing of this innings, aur phir jis tarah se wo like it panned out aur jis tarah ki requirement thi उसके अंदर देखा जाए तो लाइक दिस हैज टू बी एन इनक्रेडिबल इनिंग्स. जहां पर हम 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ बाबर का 100 याद रखते हैं, आई थिंक वी विल फॉरगेट दैट नाउ, एटलीस्ट फॉर नाउ फॉर व्हाट हैज हैपेंड टुडे, और हम ये वाला 100 हमेशा के लिए याद रखेंगे. अच्छा, यू सेड कि पाकिस्तान की तरफ से एक ही बंदा कर सकता था, वो फखर जमान है. तो आई वुड लाइक टू एक्सपैंड मोर ऑन दैट कि आज 75 ओवर का ओवरऑल गेम हुआ जिसमें फॉर 50 ओवर्स और लेट्स से 53 ओवर्स इट फेल्ट लाइक सबको फील हुआ, आई डोंट थिंक किसी को भी लग रहा होगा, फॉर 53 ओवर्स पाकिस्तान वर आउट ऑफ द गेम. आप किसी भी तरह सोच नहीं सकते थे आप जीत रहे हो या आप अच्छा कर रहे हो. 400 रन पड़ गए, फिर आप जब ओपनिंग पे आए हो तो फिर आगे अब्दुल्ला शफीक आउट हो गए, आई थिंक 6 पे आउट, एक आउट हो गया. लाइक एक जो आपने बात की कि नोबडी वुड हैव चांस फ्रॉम दिस टीम, इवन अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट के एनल्स को देखें जहां पे बहुत बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेज हुई है, इवन आज फखर जमान ने अपने 5000 इंटरनेशनल रन भी कंप्लीट कर लिए, तो उसमें भी मैं देख रहा था कि सिर्फ अफरीदी और फखर का स्ट्राइक रेट अबव 90 है फॉर द पीपल हु स्कोर्ड 5000 मोर इंटरनेशनल रन फॉर पाकिस्तान. तो लाइक अगर हम थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करें तो वेयर वुड यू पुट दिस परफॉर्मेंस लाइक ऑन हिस्टोरिक परफॉर्मेंसेज जो भी हमारी पाकिस्तान की रेड बॉल व्हाइट बॉल में एक साथ हुई है, और दूसरा फखर द मैन एंड हिज इम्पैक्ट on not just this Pakistan team, but once all his careers are done and dusted and move on to a new era, so how will we look at Fakhar the man? Yaar, in terms of where I can rank this innings,
it has to be right up there. Like it has to be, क्योंकि जिस कंडीशन में हम लोग थे, अगेन एक फिर से बैट्स अगेंस्ट द वॉल कॉर्नर टाइगर्स वाला सीन के जी पाकिस्तान अब पता नहीं क्या होना है क्या नहीं होना, और जब आप आपके बोर्ड पे 402 आपका टारगेट है, द रन द अमाउंट ऑफ प्रेशर यू हैव, लाइक वी आर नॉट लाइक हिस्टोरिकली एज वी से वी आर नॉट द बेस्ट ऑफ चेजर्स, हम लोग जब चेज की बात आती है, लेकिन आज जब टॉस से पहले ये बड़ी बात हो रही थी, जब टॉस हो गई कि बाबर ने पहले न्यूजीलैंड को क्यों बैटिंग दे दी, बट आई थिंक नाउ वी नो के क्योंकि बारिश का सिनेरियो भी था और हम लोगों को डकवर्थ लुइस पे आगे रहना था, सो आई थिंक नाउ इन परस्पेक्टिव इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि यार अगर हम इस चीज़ को पूरे परस्पेक्टिव में डालते हैं. And I don't know, again, I'm so blown away by the entire thing of what Fakhar has done. I don't know where to put it, yaar. Where do you want to put it? Batao, sabse upar dal do ki jahan pe dal le. And if this innings helps us somehow sneak into the semi-finals, I think phir zyada hume phir soch zyada aayegi is baare mein ki yaar, is innings ko humne dalna kahan pe hai. Abhi ke liye the shock is so much of what he's done, I think. I'll come back to you on this ke is innings ko hume kahan in terms of performances hum kahan rate kar sakte hain, obviously it's right up there but kis se upar kis se niche, we'll get back to it. Your second question was ke going forward where do you see Fakhar in terms of his How are we going to remember him? Like we do, like जो हमारे past players हैं, तो like most probably ये होगा थे the man who used to change a game like single-handedly. हाँ, single-handedly and as well as Fakhar is a match winner. Like out and out, he's a match winner. Champions Trophy में debut हुआ Fakhar Zaman का 2017 में. पहले South Africa game against आपने उसको डाला South Africa वाले match में, I think he scored 30ish something, 25, 30, I don't know, somewhere around that. ठीक है and दुनिया को पता चला यार ये बंदा एग्जिस्ट करता है, एंड वाज लाइक इसको कहां छुपाया हुआ था एकदम से, हम जा रही थी और बड़ा इंटेंट था जो मिसिंग था. हाँ, और वो मैच हमारा मैच टर्निंग पॉइंट वो बना, साउथ अफ्रीका वाला मैच से आगे हमारी पूरी चैंपियंस ट्रॉफी की कैंपेन टर्न अराउंड हुई, एंड देन हु कैन फॉरगेट द फाइनल व्हाटएवर ही डिड, ऑल अगेन ही वाज लकी बट ही कैपिटलाइज्ड ऑन दैट लक, इट्स नॉट लाइक ही थ्रू अवे द अपनी विकेट, एक चांस मिलने के बाद ही डिडंट थ्रू इट अवे, ही कैपिटलाइज्ड ऑन इट, सो ही हैज सेवरल नॉक्स उस लेवल की जहां पे हम कह सकते कि यार फखर जमान अपने लिए नहीं खेलता, टीम के लिए खेलता है, और आपको जैसे मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ सिंगल हैंडेडली मैच जिता सकते क्योंकि आज भी उसने वही किया है, आपका एक वो जो इंटेंट लेवल है, द वर्ड इज अ लिटिल अब्यूज्ड एट टाइम्स, इंटेंट नहीं दिखाता इंटेंट क्या है, बट आई थिंक फखर जमान का जो लेवल है इंटेंट दिखाने का, यार इट्स राइट अप देयर, 11 छक्के. एक और स्टैट सामने आया कि फखर ने 3 इनिंग्स में 18 छक्के मार लिए हैं, एंड रोहित में 20 है, 20 ठीक है, और तो अब मतलब उसको अगर आप देख लो कि 3 इनिंग्स में पहली वाली जो नेदरलैंड्स के अगेंस्ट थी उसमें तो फखर डिडंट डू एनीथिंग, लाइक चीपली आउट हो गया था, तो दिस इज द काइंड ऑफ इम्पैक्ट. शुरू से हम यही बात करें कि पाकिस्तान को ऐसे प्लेयर्स की जरूरत है जो इम्पैक्ट छोड़ के जाएं, या जो आपको एक एक दिन में आपको मैच जिता सके, जैसे शाहीन की परफॉर्मेंस है, अगर आप एक दिन शाहीन ऐसा परफॉर्म करता है सिंगल हैंडेडली आपको गेम खत्म करके दे सकता है, सो फखर जमान इज ऑन दैट लेवल वेयर वो एक अकेला बंदा आपको मैच खत्म करके दे सकता है, सो आई एम ग्लैड आज फिर से उसका दिन था, एंड इफ वी डू समहाउ क्वालिफाई स्नीक इन टू द सेमीफाइनल्स, आई रियली होप के फखर जमान उसकी पूरी कैंपेन ही यहाँ से टर्न अराउंड हो जाए, एंड ही कैन टेक अस टू द फाइनल्स देन इफ भारत का निजाम इज इन फुल स्विंग एक्चुअली, एंड वी कैन मेक इट टू द सेमीज एज वेल. एक्जेक्टली, इफ वी मेक इट टू सेमी दैट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द लाइक फेरी टेल स्टोरीज, नॉट जस्ट अस द फैंस इन पाकिस्तान, आई थिंक पीपल अराउंड द वर्ल्ड आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट, एंड व्हेनेवर पाकिस्तान पुल्स ऑफ थिंग्स लाइक दिस द वर्ल्ड लिटरली लाइक puts their attention on Pakistan. Aur aaj bhi main dekh raha tha like so many people outside of Pakistan are excited about what Pakistan are doing. Acha, it's been a Fakhar Zaman day sara din like, and so far for 10 minutes we have talked about Fakhar Zaman. Just one last thing on Fakhar. He's not playing the games consistently. Netherlands wala match khela, he looked out of touch, out of sorts. But now once in Kolkata and now in Bengaluru, like what is about the man? You've been benched. Aap baithe hue ho. Like, what is it that made him score so freely and so swiftly? Like, how you have to
you have to take in all those factors into consideration. You're playing in alien conditions. You haven't been getting the game time. You are playing for the first time at Eden Gardens, for the first time at Chinnaswamy. You're facing experienced bowlers. But then how can Ferguson pull off that like that? Like somebody coming off the bench. Yeah, I think he had a lot of time to reflect, self-introspect karna ke, achha, aap itna time bahar baithe ho. I think last press conference mein jab Fakhar ne ye baat boli thi ke, main itna injury ka itna issue nahi tha, I could still have played. Agar team ko zarurat hoti to main khel leta aake. So maybe management ki taraf se shayad Fakhar ko bithane ka reason, ab unke mujhe nahi pata exactly kya reasons ho sakte, but as an outsider, maybe we can just say ke unko lag raha tha Fakhar needed that space, mental space, jahan pe Fakhar apne aap ko khud soche ke yaar, acha agar main wapas aata hu to main team ko kya de sakta hu, kyunki hame pata tha ke Fakhar aisi innings khel sakta hai aur ab do dafa khel liye. Aur फिर एक और चीज हम मेंशन कर लेते हैं, जो रेन पहली रेन ब्रेक के बाद जब मैच वापस आया और जिस तरह से सोडी वाले 20 रन हमने सोडी उसने सोडी के ओवर में 20 रन किए थे, 3 छक्के 2 सिंगल. तो आई थिंक वो गेम चेंज, वो गेम टर्नर तो एक्चुअली वो ओवर भी बना ना, और वहां पे 20 पड़ गए थे. तो गेम अवेयरनेस की बात, और आई थिंक बेंच पे बैठ के फखर ने अच्छा इस चीज पे अपने आप को रिफ्लेक्शन दिया है. और उसने फिर वही मैं रिपीट करूंगी कि अपने पोस्ट मैच जो प्लेयर ऑफ द मैच इंटरव्यू में उसने ये बोला है कि हम लोगों का अब एक ही है कि अग्रेसिव खेलना है. यहाँ से अब एक ही मैच चलो रह गया, बट इंटेंशंस बहुत क्लियर है कि अग्रेसिव क्रिकेट खेलना है, अग्रेसिव ही खेलना है. तो ठीक है, अगर फखर को ये बात समझ आ गई है कि 50-on-50 is not the requirement right now, because, and especially when you're chasing such huge totals as well, it's not ki aap bhai 50-50 karoge to chal jayega. You have to play 150 ka strike rate, aaj almost 150-155 tha. 155. To aapko ye maintain karna padega. And ab phir hui baat, as a fan, agar ab hum soche ki Fakhar agle match pe bhi chal jayega, you never know. Shayad yeah. ऊंची शॉट लगाते हुए आउट भी हो जाए, तो अब वो डिसअपॉइंट नहीं हमें होना चाहिए, क्योंकि दिस इज हाउ ही प्लेज, एंड ऑन हिज गिवन डे ही कैन डू एनीथिंग. एंड अगले मैच में हो सकता है कुछ भी ना करे, बट वी नो कि यार ये बंदा अग्रेसिवली खेलेगा और ये आपको सिंगल हैंडेडली पूरी सिचुएशन चेंज करके दे सकता है. सो यार बिल्कुल, वो सेंटनर का एक ओवर था जहां पे मुझे लग रहा था लाइक माय हार्ट वाज इन माय माउथ, जब वो लाइक ही वाज ट्राइंग टू कम डाउन द विकेट और फिर वो गेंद को स्लो कर देता था, एंड दैट वाज द मोमेंट. तो ऑफ कोर्स दैट इज पार्ट ऑफ द गेम. अच्छा, रेन ब्रेक्स की आपने बात की, वहां से मुझे वो याद आ गया, लास्ट टाइम वी हैड मल्टीपल रेन ब्रेक्स, तो दैट वाज इन कोलंबो अगेंस्ट इंडिया, एंड वी वर ऑल ब्रोकन, नॉट जस्ट द टीम बट अस फैंस वर ब्रोकन. तो आज मल्टीपल रेन ब्रेक्स थी, बट वी वर ऑन द लाइक बेटर साइड ऑफ द थिंग्स, राइट साइड ऑफ हिस्ट्री आज. बट या योर थॉट्स ऑन दिस, डू यू थिंक इट्स अ लिटिल टू लेट, या अभी अभी है वो एक मिरेकल वाला एक स्नीक इन हम कर सकते हैं, और मे बी इट्स टू लेट. शायद दो मैच आप दो मैच खेला, शायद दो मैच पहले आता तो शायद, बट अगेन आई थिंक इट्स ऑल इफ्स एंड बट्स, अंटिल चीज हो ना जाए, आई डोंट नो. नहीं, मेरा इसके ऊपर ये है कि 19 को पीसीबी ने एक प्रेस रिलीज दी थी कि फखर इज उसको हम नर्स कर रहे हैं फॉर आवर नी इंजरी, एंड दैट विल टेक टिल 25th. तो उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान वाला गेम था, आई थिंक ये 25th को अफगानिस्तान खेल रहे थे, आई एम नॉट श्योर, 23rd. हाँ, तो अफगानिस्तान गेम में तो वो नहीं आ सकता था क्योंकि वो काफी कॉशन ले रहे थे, बट आई थिंक साउथ अफ्रीका वाले गेम में वी कुड हैव टेकन दैट पॉइंट. एक चीज और कि हम एक तरह से एज अ टीम वी हैव लाइक एक तरह से हम जाग गए हैं, वी आर डूइंग ऑल दोस थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड. जो भी बॉक्स टिक करना होता है वो टीम टिक कर रही है फॉर द लास्ट लेट्स से 100 ओवर्स और 200 ओवर्स, जो आपने बांग्लादेश वाली गेम के भी आप वो मिला लें और ये वाले ओवर्स भी मिला लें. तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट आती है, यू एज अ यूनिट, यू एज अ थिंक टैंक आर ट्राइंग टू टिक दैट ऑफ. कल मैंने मिकी आसम की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी थी, उसमें भी इंटेंट यही था कि वी हैव टू गेट द जॉब डन, वी हैव टू गेट द जॉब डन. आई थिंक मसला पाकिस्तान क्रिकेट के साथ भी जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो फ्यूचर कैप्टन हैं, जो करंट कैप्टन है, ऑफकोर्स बाबर आजम को आप कप्तानी से हटा दोगे, मगर बाबर फॉर द नेक्स्ट 4-5 ईयर्स इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द लीडरशिप ग्रुप. कल को जब वो मिड ऑफ पे आपका नया कप्तान खड़ा होगा तो बाबर भी साथ ही खड़ा होगा. तो मेरा मसला ये है कि इस टूर्नामेंट से भी पिछले टूर्नामेंट से यू हैव टू टेक द लेसन कि भाई ये जो आपका इंटेंट आता है ना लेटर इन द टूर्नामेंट, जहां पे यू फील लाइक कि हर बॉक्स को टिक करना है और लाजमी करना है, वो दैट शुड समहाउ यू हैव टू चैनलाइज दैट एट द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट, राइट. तो आई फील लाइक कि पाकिस्तान क्रिकेट थोड़ा मेंटली और साइकोलॉजिकली उस चीज के साथ
वर्कआउट कर लेना तो दैट इज गोइंग टू हेल्प. अच्छा बाबर जी, मैंने सॉरी आई एम कटिंग यू ऑफ, एक साइकोलॉजिस्ट नो वरी भेजा हुआ है, एक अंकल ने भेजे हुए थे, साइकोलॉजिस्ट भेजे हुए थे यार. वो साइकोलॉजिस्ट के ऊपर इतनी मीम्स आ रही थी कि लास्ट टाइम ही वाज लाइक इट फेल्ट लाइक ही वाज ब्रोकन, और लोग कह रहे थे कि उनको ही साइकोलॉजिस्ट की जरूरत होगी. और आज मैंने उनकी देखी थी पिक्चर, ही वाज सिटिंग इन द डगआउट विद फखर जमान एंड ही फेल्ट रिलैक्स. बट दैट गाय इज वेरी एक्सपीरियंस. अब हर्ड के वो साइकोलॉजिस्ट जो है वो 2009 में भी चले थे, बाबरी साहब आई थिंक उनका नाम है, नॉट श्योर अबाउट द ग्रेड. अच्छा कमिंग टुवर्ड्स बाबर्स कैप्टेंसी, लेट्स सी लाइक अनम, वी हैव बीन फॉलोइंग क्रिकेट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड वी नो कि जो रिजल्ट्स आते हैं ना, पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं, तो एक बंदे ने अंदर डक किया हो, गलत डिसीजन किए हो, तो वो छुप जाते हैं. लाइक सक्सेस हैज मेनी फादर्स, डिफीट इज ऑर्फन. तो जब हमने 4 गेम्स ऑन द ट्रॉट हारी तो वो बातें भी सामने आ रही थी, या क्रिटिक्स या फैंस वो बातें भी कर रहे थे जो नहीं करनी चाहिए बाबर आजम की कहानी के बारे में या उसके बारे में एज अ प्लेयर. क्योंकि हमारे यहाँ पे एक एक ट्रेंड वही चलता है कि जब रिजल्ट्स नहीं आएगी तो वो लोग आपको वहां वहां भी टच करेंगे जहां पे लाइक इट फील्स अनजस्ट टू टॉक अबाउट दैट. तो लाइक व्हाट डू यू मेक अबाउट नाउ यू हैव गॉट 2 रिजल्ट्स बैक टू बैक एंड 4 रिजल्ट्स ओवरऑल, यू लॉस 4 गेम्स, 1-4 गेम्स. हाउ डू यू रेट बाबर आजम कैप्टेंसी ओवरऑल इन द टूर्नामेंट एंड टुडे एज वेल? ओवरऑल इन द टूर्नामेंट आई थिंक एज यू मेंशनड इट योरसेल्फ के बहुत सी चीजें जब आपके फेवर में नहीं जाती हैं तो फिर आपकी चीजें एक्सपोज हो जाती हैं. जब जीत रहे होते हो तो सब चीजें अंडर द कार्पेट, यू ब्रश देम. क्या 400 रन अंडर द कार्पेट चले गए पहले की बात कर रही हूँ, व्हेन यू विनिंग राइट, नॉट टुडेज मैच, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टुडेज मैच, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरली पहले भी बायलेटरल सीरीज में भी ओवरऑल. बिकॉज ये सेंटिमेंट तो रहा है ना कि बाबर इज नॉट वन ऑफ द मोस्ट एस्ट्यूट, बहुत कोई श्रूट कैप्टन नहीं है, ठीक है, ही इज नॉट वन ऑफ दोज जो आपको एक जिस तरह धोनी है या आपका कोई ऐसा डिसीजन वो ले छोटा सा व्हिच कैन वर्क इन योर फेवर, ही इज नॉट वन ऑफ दोज. बट देन दे से that you learn, he's learning on the job, this is more of an on the job training and he's getting that, but no, you cannot brush aside ye sab kuch, you know, you can't. Aaj bhi 402 pade, theek hai, I'm not saying it was completely Babar's fault, because ab aapke 3 strike bowlers jo hai 80 plus unhone khaya hai, theek hai, teenon aapke fast bowlers jo hai apart from Mohammad Wasim aur junior, agar hamare paas koi clone machine hoti to Mohammad Wasim ke hum 3-4 क्लोन बना के उन्हीं को खिला लेते बजाय उन हसन और राउफ को और शाहीन को खिलाने के आज. बट यू नो आई डोंट थिंक ही कुड डू मच डिफरेंट, यू नो व्हाट कुड हैव ही डन. जब आपके जो बॉलर्स हैं वो नहीं डाल पाते 6 डिलीवरीज जो है ना, उनमें से हर 6 की 6 हाँ वेवर जा रही है, कोई कहीं जा रही है, फुल टॉस भी एक आप करा रहे हो, बैक ऑफ द लेंथ भी करा रहे हो, आप कंसिस्टेंट नहीं हो अपनी लाइन एंड लेंथ में, तो एक तो वो बात होगी कि आपके बॉलर्स जो हैं दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग द वे यू माइट हैव थॉट दे वुड. एंड देन शफकत, आई थिंक शाहीन नॉट बीइंग एबल टू टेक अ विकेट इन द पावर प्ले और पाकिस्तान इन जनरल नॉट बीइंग एबल टू टेक अ विकेट इन द पावर प्ले, ये बड़ा एक बैकफायर कर जाती है बात, यू नो इट जस्ट पुट्स द टीम ऑन द बैक फुट एज वेल के ओ शिट हम लोगों को पावर प्ले में विकेट नहीं मिली है तो अब तो पता नहीं, इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड, अब अगली टीम जितना मारना चाहती है मार ले, बाद में देखी जाएगी. बॉडी लैंग्वेज they say that you, we are not body language experts, but then again you can see Babar ke ek do reactions the aise wo gifs bhi bani ke pata nahi kya ho raha hai, you know, so ek dam se aapko feel hota hai ki yaar acha fir agar in logo ko bhi nahi pata ki ye log kya kar rahe hain to hum bahar baith ke hum kya hi bol sakte hain ki ye log kya kar rahe hain, theek hai. So this is one where aapke bowlers us tarah se respond nahi kar rahe hain, and this bowling unit being called one of the worst in our ODI World Cup history, like this is one of the most lackluster hamara bowling unit consider kiya ja raha hai. To jab even rahat bhi ehsan adil and that yasir shah jo 2015 mein usko bhi log upar rahe the, to ab aap khud dekho na, ab agar hum semi finals mein pahunch jate fir log bolenge ki oh ho yehi log the jo pehle criticize kar rahe the, ab yehi log hain jo team ki tareef, lekin wo fir wohi baat hai na, theek hai, aapne श्रीलंका के अगेंस्ट 3 कितना खाया था हमने, 345, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी 360 कितना खा लिया, 367, आपने आज 401 खा लिया, ठीक है, तो आप इस बॉलिंग में आपने 25 ओवर में 200 खा लिया,
200 खा लिया, आप इस बॉलिंग यूनिट की तारीफ तो नहीं अब कर सकते. आपके हमारे सबसे मेन मसला आज ही पहले बड़ी बात हुई कि हमने चार पेसर्स खिला लिए, हमने स्पिनर खिलाया ही नहीं. ऑल्दो शदाब कंकशन की वजह से वैसे ही इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ, एंड देन उसामा मीर हैजंट बीन डूइंग ग्रेट ईदर, एंड देन वी नो व्हाट नवाज हैज बीन अप टू, हमारा मैच विनर जो है. तो अगर आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं है अपने स्पिनर्स में तो आप फिर ये रिस्क नहीं लोगे. एंड आई थिंक फेयर इनफ, इट वॉज अ फेयर इनफ कॉल कि आपने आज चार पेसेस खिला लिए और एक, क्योंकि आपके स्पिनर्स आपने किसको खिलाते, या तो आप अबरार को किसी तरह से कर लो ना, फिर कोई टेक्निकल स्वैप कर लो. मैं तो कहती हूँ इमाम को बाहर भेजें और अबरार को किसी तरह से ले आए टीम के अंदर, कुछ कर लें, या नवाज को फिर भेज दें, एंड देन मे बी एक सरप्राइज फैक्टर, एक सरप्राइज एलिमेंट आपको मिल जाएगा. बट देन अगेन वी कांट एक्सपेक्ट अ लॉट कि अबरार भी आते कोई जादू कर देगा और पता नहीं क्या हो जाएगा. इट्स नॉट लाइक दैट, राइट? तो हाँ, ए एंड देन बाबर, अगेन कमिंग बैक टू बाबर्स कैप्टेंसी, प्रोएक्टिव वो चीज नहीं नजर आती है जहां पे आपको लगता है कि यार अच्छा यहाँ पे कुछ एक ऐसा बाबर कोई डिसीजन लेगा. जो बाबर का एक, बाबर शायद यूजुअली वेट करता है कि बैटर कोई गलती करे और आउट हो जाए, रादर देन बाबर की फील्ड पोजिशनिंग या कोई अटैकिंग फील्ड पोजिशनिंग रख ले या वो बैटर को हम तंग करें. नहीं, हमने नहीं तंग करना, हमने एक्सपेक्ट करना कि यार वो बेचारा अगर अब इतने मार लिए उसने तो अब एक फॉल्स शॉट तो खेलेगा ना, एक चांस तो देगा ना, तो वो चांस जो देगा वो हम कोशिश करेंगे कैपिटलाइज करने की. तो या आई थिंक इट्स बोथ राइट नाउ, द कैप्टेंसी एंड आवर बॉलिंग यूनिट बोथ हैव फेल्ड अस मिजरेबली. अगेन बिफोर दिस गोज आउट इन, बाद में हम इंग्लैंड के खिलाफ बड़ी कोई फिट बॉलिंग परफॉर्मेंस दे दें या सेमीफाइनल में किसी तरह से कुछ कर दें, हमारे पे वापस मत आएगा. हम ये नहीं कह रहे, ऑन दैट गिवन डे कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो अब तक पैटर्न हमने देखा है उसमें यही नजर आ रहा है कि यार हमारे बॉलर्स जो है ना, देर फेलिंग अस. बिल्कुल बिल्कुल. और आगे जो दो एक गेम पड़ी है, या अगर हम फाइनल में जाते हैं दो गेम या फाइनल में थ्री गेम, वो चेंज नहीं कर सकती. व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड सो फार वो तो वैसे ही रहेगा, एंड दोज आर फैक्ट्स. ऑफ कोर्स पीपल कैन कम एट अस, वी विल टैकल दैट. अच्छा, एक चीज ये है कि वी आर प्लेइंग इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम. हमने, अच्छा चलो, हमने बाबर की बात कर ली कि बाबर की कप्तानी में ये वाले फ्लॉज है. अगर आपके पास मेन या विकेट टेकिंग बॉलर्स नहीं होते तो बाबर क्लूलेस फील करता है. जैसे पांच टेस्ट मैचेस हमने बैक टू बैक हारे, उसके पास ना तो नसीम था ना शहीन था, अरिशोक भी निकल गया था, तो ही हैड टू वर्क विद दोस गाइस एंड ही लुक्ड लाइक अ कैप्टन, लाइक अ चिकन विदाउट अ हेडलेस चिकन. तो अभी हमने ये देखा, ठीक है, डिपेंडेंट, ही इज डिपेंडेंट ऑन पीपल हु कैन वर्क अराउंड थिंग्स, और बाकी वो स्कूल से अपनी कप्तानी करें टेस्ट को. अब इसमें एक क्वेश्चन ये आता है, और एंड ऑफ कोर्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द शो, वो ये आता है कि नन ऑफ दिस गाइस एक्सेप्ट फॉर नवाज एंड एक्सेप्ट फॉर आगा हैव टूर्ड इंडिया. बेंगलुरु में ये लोग पहली दफा खेल रहे थे, कोलकाता में पहली दफा, अहमदाबाद में, हर जगह में. हाउ मच स्लैक विल यू कट और हाउ मच सपोर्ट विल यू, इमोशनल सपोर्ट विल यू गिव टू दीस गाइस कि भाई आपको पहली दफा उस जगह पे खेल रहे थे तभी आपसे अच्छा नहीं हो सका. जस्ट इन केस आप किसी ऐसी जगह पे खेल रहे होते जैसे ऑस्ट्रेलिया था, जहाँ पे आप रेगुलरली आते जाते रहते हो, तो इतना इसमें कितना एक लाइक हम उनको कर सकते हैं स्लैक कट. Yeah, I don't think I won't cut them any slack, क्योंकि professionals हैं. आप खेलने वर्ल्ड कप गए हो, आपको पता था बहुत टाइम पहले से कि इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, तो आपकी प्लानिंग, आपकी टीम मैनेजमेंट आपको क्या बता रही थी, ये तो फिर आपके पास बहुत टाइम था, आप बहुत अच्छे से प्लानिंग अपनी कर. ठीक है, इट्स अनदर थिंग कि आपने मैच में जाके वो प्लान्स एग्जीक्यूट करने हैं, आपने वो चीजें जाके करनी, दैट्स आई एम नॉट डिनाइंग दैट कि मैच में जाके एक डिफरेंट सिनेरियो होता है, पहले प्लानिंग करना एक डिफरेंट चीज होती है, बट स्टिल वी हैव दैट लेवरेज. यार आपको पता था वर्ल्ड कप इंडिया में है, तो आप मे बी इंक्लूड दोज पीपल हु आर मोर फेमिलियर विद द इंडियन कंडीशंस, हु नो इंडियन कंडीशंस एट द बैक ऑफ देयर यू नो हेड, कि यार इस ग्राउंड की ये सिचुएशन है, इस ग्राउंड में ये होता है, सो मे बी वी कुड हैव हायर्ड दोज पीपल. आप एनालिस्ट कोई भी ऐसा हायर कर सकते थे जो इंडिया में आईपीएल में बहुत प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट कर चुका है. सो या आई थिंक वहां पे वी ब्लैक्ड इन टर्म्स ऑफ आवर प्रिपरेशन इन द मैनेजमेंट टीम एज वेल. एंड कंसिडरिंग मोने मोकल खेले आईपीएल में भी खेले, आप इतना फिर क्या स्लैक क्या कट करोगे प्लेयर्स को भी. यार आपको
अब इंग्लैंड को चलो ले लो, इंग्लैंड क्या कर रहा है, इंग्लैंड के पास, इंग्लैंड ने क्या इतना इंडिया में नहीं खेला हुआ, या इंडिया में यू नो इंग्लैंड के पास भी तो सब कुछ रिसोर्सेस थे, सब कुछ था, बट आई थिंक इट्स जस्ट दैट कि क्लिक नहीं कर पाए. ठीक है, इंग्लैंड भी क्लिक नहीं कर पाया, और हम लोग आई थिंक इंग्लैंड से तो बहुत बेहतर खेले हैं. हम लोग इंग्लैंड जैसे उस स्टेज पे हम नहीं गए जहाँ पे इंग्लैंड है इस वक्त. सो यू नो माय पॉइंट बीइंग कनेक्टिंग दीज टू थिंग्स इज कि आपके पास पोटेंशियल फिर भी थी, लाइक देवर टाइम्स व्हेन वी कुड हैव यू नो गिवन अ लिटिल मोर. अफगानिस्तान वाला मैच शायद हम जितनी बुरी तरह से हारे हैं वो अब अगर आप हाइंडसाइट में देखो, शायद अगर वो अफगानिस्तान वाला मैच हम ना हारे होते तो चीजें अभी थोड़ी सी हमारे फेवर में होती. साउथ अफ्रीका वाला मैच भी वो बहुत वो मार्जिनल था, मतलब साउथ अफ्रीका वाला मैच कुड हैव गॉन ईदर वे. आई थिंक आई वाज स्टिल रेटिंग साउथ अफ्रीका एज फेवरेट्स एंड इट वाज रियली लाइक वो एक वो होगी चीज के हमारे हक में एंड पे मैच चला गया, तो वो तो चलो वो कहीं किसी के हक में भी जा सकता था, बट आई रियली फील वी कुड हैव डन अ लॉट बेटर अगेंस्ट अफगानिस्तान. सो या आई डोंट नो यार, एज प्रोफेशनल्स आई डोंट थिंक के आप जो हो ना ऐसे एक्सक्यूजेस. अब मिकी ने एक और एक्सक्यूज दिया कि सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है एंड इट फील्स लाइक वी आर इन कोविड टाइम्स, राइट? तो यार यू आर प्रोफेशनल्स यार, यू आर नॉट लाइक आप ये ऐसा तो नहीं कि आपने अभी आपने ये इस तरह की एनवायरनमेंट आपने ज्वाइन की है या कुछ है. आई कंप्लीटली अग्री, सफोकेटिंग होता है, सब कुछ होता है, देन यू ऑल्सो हैव लाइक इनफ बैकरूम स्टाफ विद यू हु कैन टैकल सच थिंग्स. सो या रादर देन गिविंग सच एक्सक्यूजेस मे बी जस्ट पुट एवरीथिंग ऑन द फील्ड. जैसे आज आपने 400 खा के भी यू केम आउट ऑल गन्स ब्लेजिंग, ऑल्दो इट वॉज अ ठीक है फखर का था, बट अगेन वी सॉ बाबर की तरफ से भी कुछ अर्जेंसी हमें आज जरूर नजर आई. इट वॉजेंट लाइक कि बाबर बिल्कुल ही बैकफुट पे बैठ के मैच खेल रहा था. इट वॉज गुड टू सी दैट बाबर को भी अवेयरनेस थी कि आज हम लोगों को बारिश अगर हो जाती है तो हम लोगों को किस तरह से इस चीज को आगे लेके चलना है. सो या मे बी इट्स लिटिल बिट टू लेट दैट वी रियलाइज्ड ऑल ऑफ दिस कि चीजें किस तरह से होनी चाहिए थी, किस तरह से नहीं होनी चाहिए थी. सो आई डोंट नो यार, आई वोंट कट देम अ लॉट ऑफ स्लैक ऑन इट. दे आर प्रोफेशनल्स, दे शुड हैव नोन बेटर. That's my point of view. I obviously it's my point of view. मैं गलत भी हो सकती हूँ, but yeah, this is how I feel about the entire thing. Exactly, and I feel like that's pretty much agreeable. Even के जितने भी resources थे और जितना time था आपको prepare करने के लिए, और उसमें भी चार matches आपने जीते, चार हारे, तो उन mixed performances से पता चल रहा है कि it was in your hand to do well. Right, so that was today's post match on. It was a memorable day at Chinnaswamy Stadium, Bangalore. A day that will most of us Pakistani fans will remember for the rest of our lives. वो एक जो evening थी उसकी जो uncertainty थी और फिर उसके ऊपर जो हमारा hold आया via the one and only Fakhar Zaman and we were lucky enough to see that brilliant innings from him. This was today's post match on. Thank you for tuning in. We'll get back to you with another post match on. Allah Hafiz and thank you.